बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि सर्दी गर्मी दोनों का मौसम चल रहा है, मींस के लू वाला मौसम चल रहा है, और इसमें नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार होना एक आम सी बात हो गई है नाज़रीन। और ये नज़ला, खांसी, ज़ुकाम बहुत अरसे तक चलता है। इसी के रिकवरी के लिए मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ जो इस मौसम के लिहाज से बहुत बेस्ट टैबलेट है। तो नाज़रीन, वीडियो से जुड़े रहिएगा। वीडियो का तफसीली आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप होम फिजिशियन पे न्यू हैं तो काइंडली होम फिजिशियन को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नाज़रीन, इस टैबलेट का नाम है सेफिकेट, जिसे गैट्स फार्मा वाले मार्केट करते हैं। ये 200 mg टैबलेट है। ये 10 टैबलेट आपको 460 रुपये की ईजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी। नाज़रीन, इसका मेन इंग्रेडिएंट हैगा सेफिसाइम। नाज़रीन, ये जो है आपके नज़ले को ख़त्म करती है, गले के दर्द, गले के इन्फेक्शन, सीने का जकड़ जाना, खांसी का हो जाना का और खांसी का काफ़ी हद तक होने को भी कंट्रोल करती है। नाज़रीन, ये हमारे ज़ख़म को हील करती है, हमारे सीने की तमाम इन्फेक्शंस को ख़त्म करेगी, बलगम अगर आपको आता है तो उसको भी ये ख़त्म करेगी जड़ से। और इसके अलावा आपकी कोई इन्फेक्शन अगर बॉडी में हो जाता है तो ये टैबलेट उसके लिए भी दी जाती है। नाज़रीन, अब बात की जाए कि इसे कैसे खाना है और कितनी लेनी है। नाज़रीन, डॉक्टर इसे दिन में 2 बार रेकमेंड करते हैं, सुबह और रात। इसे आपने खाना है तो दूध लाजमी पीना है, क्योंकि 200 mg की टैबलेट है। ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट भी कहला सकती है। नाज़रीन, इसको आपने डेली 2 खानी है, पानी से खानी है। नाज़रीन, इस टैबलेट को 16 साल से अब बच्चों को दी जाती है, और 16 से कम उम्र वाले बच्चों को इसका सीरप आता है वो दिया जाता है। नाज़रीन, अब बात की जाए इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो इसको आप अगर पियेंगे ये आपको नुकसान दे रहा होगा, तो आपको वॉमिटिंग होगी, पेट में दर्द होगा, बस इसके 2 साइड इफ़ेक्ट हैं। सो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हाफिज़।